हेलो फ्रेंड्स, नाउ आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीबीएमएस का जो टॉपिक है, दैट इज अ क्लोजर मेथड। ठीक है, तो जो क्लोजर मेथड है, ठीक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी और कैंडिडेट की इसको लेकर बना हुआ है। तो जो क्लोजर मेथड इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द कैंडिडेट कीज इन अ रिलेशनल टेबल। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल है अगर हम कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखते हैं। सपोज देयर इज अ रिलेशन विच हैव द एट्रीब्यूट्स ए बी सी एंड डी, क्लियर, एंड वी आर गिवन द फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस डी। सो लेट अस फाइंड आउट द क्लोजर ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कौन कौन सी कैंडिडेट की इसमें निकलती हैं। ठीक है, तो जो क्लोजर का, जैसे क्लोजर को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ए प्लस का मतलब है कि हम ए का क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका सिंपली मतलब है, क्लोजर क्या करता है कि जो एट्रीब्यूट है, लाइक ए है, यहाँ पे ए प्लस है, तो ए प्लस विल डिटरमाइन लाइक क्लोजर फाइंड्स व्हाट एट्रीब्यूट्स कैन बी डिटरमाइंड। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो डिटरमाइन हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ क्लोजर। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कौन कौन से फाइंड आउट करता है। अभी ए का क्लोजर देखेंगे। जो ए है, पहले वो ए खुद पे डिपेंड है, ए खुद पे तो हो गई ना, ए इज सबसेट ऑफ ए, सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो जो ए है वो ए को तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। अभी यहाँ पे दिया है कि ए जो बी को भी करेगा, ठीक है, बी अभी सी को कर रहा है। ठीक है, जो अगर बी सी को कर रहा है तो ए किसको करेगा, सी थ्रू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ए अगर बी को करेगा एंड बी सी को करेगा, तो ए सी को करेगा ही करेगा, सो इट ऑल्सो डिटरमाइन सी। और जो सी है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है, डी को, तो अगेन फॉर द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट डी है। तो जो ए है वो सभी एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैंडिडेट की में हमारे एक ऐड हो गया, दैट इज ए। ठीक है, ए कैन फाइंड ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ डी। क्लियर, अगर हम बी की बात करें तो बी का क्लोजर क्या होगा, बी तो हो गई होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। बी किसको फाइंड आउट कर रहा है, सी को भी कर रहा है, और सी डी को कर रहा है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी डी यहाँ पे आ जाता है, बी डी को भी करेगा। ठीक है, और सी सी का क्लोजर देखें हम, सी किसको कर रहा है, सी को करेगा, करेगा सेल्फ को करेगा अपने आप, और डी को भी कर रहा है, और डी का क्लोजर हम देखें तो ये सिर्फ डी को कर रहा है। अब इनमें से जो ए है वो तो कैंडिडेट की बन गया है, क्योंकि उसने सभी एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, बट जो ए बी सी और डी वाला है, दे आर नॉट कैपेबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अदर एट्रीब्यूट्स, सो इनमें से कोई भी कैंडिडेट की नहीं बनेगा। ठीक है, सो द ओनली कैंडिडेट की इन दिस टेबल इज ए। क्लियर, अभी एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। अभी इसमें एक चीज देखें कि अगर हम ए और बी को कंबाइन कर लें, ठीक है, ए और बी को कंबाइन कर ले तो भी ये चारों एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ए भी है वो कैंडिडेट किया, नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ए आ चुका है। ठीक है, जो ए बी है, ए बी कैन बी द सुपर की बट नॉट द कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या है कि मिनिमल एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ए है जो हमारा, वो कैंडिडेट की है, ए बी नहीं है। ए बी बन सकता है बट नहीं बनेगा, क्योंकि वो सुपर की में कंसिडर हो जाएगा। सो लेट अस हैव वन मोर एग्जाम्पल।
अगेन रिलेशन हम कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी डी, और इस पर डिपेंडेंसीज हमारे पास जो है वो है ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस डी एंड डी डिटरमाइंस ए। तो इसके हम क्लोजर्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ए का क्लोजर क्या रहेगा, ए सेल्फ को करेगा करेगा अपने आप को, या हम वैसे देख लेते हैं कि ए बी को कर रहा है, पहले बी लिख लेते हैं ठीक है, ए बी को कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो थोड़ा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए सी को भी करेगा। अगेन जो सी है वो डी को कर रहा है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए डी को भी करेगा, और डी किसको कर रहा है, वो ए को कर रहा है ठीक है। बी का क्लोजर फाइंड करें, दैट इज सी डी ए एंड बी, सी बी से सी आ गया, सी से डी, डी से ए एंड ए से बी। सी का क्लोजर डी ए बी एंड सी, और डी का क्लोजर ए बी सी एंड डी। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी जो चारों एट्रीब्यूट्स हमारे, वो चारों एट्रीब्यूट्स, चारों आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इट मीन्स द कैंडिडेट कीज आर ए बी सी एंड डी, क्लियर, एंड ऑल दिस कैंडिडेट कीज आर ऑल्सो द प्राइम एट्रीब्यूट्स। और जो लास्ट वाली एग्जांपल हमने की थी उसमें प्राइम एट्रीब्यूट कहा था सिर्फ ए, क्योंकि जो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कैंडिडेट की आर कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट्स। नाउ लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल, वन मोर टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस। आई होप बेसिक्स ऑफ क्लियर हो गए होंगे। अभी इसमें आप एक चीज देखिए यहाँ पे कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे फाइव एट्रीब्यूट्स ए बी सी एंड डी ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, इसमें जो सॉरी राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे बी भी आ गया हमारा ठीक है, डी भी आ गया, सी भी आ गया, ए भी आ गया, कौन सा एट्रीब्यूट नहीं आया, ई ठीक है। तो जो जिस एट्रीब्यूट का कोई डिपेंडेंसी नहीं आती है, जो डिटरमाइनमेंट नहीं आता, तो वो हमेशा कहाँ पे आएगा, वो लेफ्ट में, जब हम क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो वो लेफ्ट में आएगा ही आएगा, क्लियर। जैसे हमें ए का फाइंड आउट करना है क्लोजर, तो ए के साथ ई विल ऑलवेज कम, क्लियर। तो ए का इसका ई का एट्रीब्यूट हम फाइंड करते हैं, सॉरी क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आएगा इसका, जो ए और ई है वो ए और ई को तो फाइंड करेंगे करेंगे, क्लियर। और देख लेते हैं कि जो ए है किसको कर रहा है, वो बी को भी कर रहा है, और आगे देखो ई किसको कर रहा है, सी को कर रहा है, और बी सी किसको कर रहे हैं, डी को कर रहा है ठीक है। तो ये सबका फाइंड आउट हो गया ना ठीक है। और देखो इसका, तो कैंडिडेट की में हमारा क्या बन जाएगा, पहले आ जाएगा ए ठीक है, नेक्स्ट हम बी ई को कर सकते हैं। अभी इसमें देखिए, अब बी ई को, बी ई तो फाइंड हो गई होगा ठीक है, ई किसको कर रहे हैं, सी को, बी सी किसको कर रहे हैं मिलके, डी को, और डी किसको कर रहा है, ए को। तो अगेन फ्रॉम बी ई वी कैन फाइंड ऑल द एट्रीब्यूट, सो बी ई भी कहाँ पे आएगा, हमारा कैंडिडेट की में आ जाएगा, क्लियर। अभी इसका एक और तरीका है ठीक है, आप देख लीजिए कि जो ए और ई जो हमारा कैंडिडेट की बना हुआ है ठीक है, ये कहाँ पे राइट साइड पे आ रहा है ठीक है। हम यहाँ देखें, जो ए है वो यहाँ पे आ रहा है ठीक है,
किसके राइट साइड में आ रहा है, बी के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको जो ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी से रिप्लेस कर सकते हैं और डी ई लिख सकते हैं, जो हमारा डी ई होगा वो भी हमारा कैंडिडेट की बनेगा बनेगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, डी को तो फाइंड करेगा ठीक है, और डी किसको फाइंड कर रहा है, ए को भी कर रहा है ठीक है, ई किसको कर रहा है, सी को कर रहा है, ए किसको करेगा, बी को करेगा, अगेन सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हमारे, क्लियर। अभी और देख लीजिए आप, एक रह गया हमारे पास, कौन सा रह गया, ए ई हो गया, बी ई हो गया, डी ई, और कौन सा रह गया, सी ई। तो सी ई को तो करेगा करेगा ठीक है, ई किसको कर रहा है, सी को, सी आ गया ऑलरेडी, देन ये और फाइंड नहीं करेगा ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की कौन सी बनेगी, वी हैव ए ई बी ई एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, कैंडिडेट कीज आर ए ई बी ई एंड डी। तो ये हमारे हो गए प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, कौन कौन से प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, ए बी एंड डी, सॉरी गलत हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे कौन कौन से हो गए, ए बी डी एंड ई, और जो नॉन प्राइम है वो कौन सा रह गया, एक बचा है, दैट इज, सो नाउ यू कैन इजली सी दैट हाउ द क्लोजर मेथड इजली फाइंड आउट द कैंडिडेट कीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू विल यू नाउ गेट द क्लियर आइडिया ऑफ द क्लोजर मेथड, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।